हेलो फ्रेंड्स, डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम के यूपीएससी क्विज सेगमेंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए दोस्तों, हंसते मुस्कुराते और खिलखिलाते हुए शुरुआत करते हैं अपने इस सेगमेंट की। दोस्तों, यहाँ पहला क्वेश्चन है, लाल सागर के साथ अपनी सीमाओं को साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, यानी कि कौन कौन से ऐसे देश हैं जो लाल सागर यानी रेड सी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस तरह के 6 देश हैं और इनके अलावा अगर किसी देश का नाम आता है तो आप ऑप्शंस में अगर पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन में कि इनमें से कौन कौन से देश कौन सा देश ऐसा है जिसकी सीमा लाल सागर से नहीं लगी हुई है, तो आप उस कंट्री का नाम लिख देंगे जिसका नाम इन देशों में से अलग होगा। ठीक है, तो कौन कौन से देश ऐसे हैं जो जोड़ते हैं लाल सागर से अपनी सीमाओं को? देखो, पहला है सऊदी अरब, दूसरा है यमन, तीसरा है मिस्र, चौथा जिबूती, पांचवा सूडान और नेक्स्ट है इरिट्रिया। तो कौन कौन से देश हैं जो लाल सागर से जुड़े हुए हैं? सऊदी अरब, मिस्र, सूडान, जिबूती, यमन और इरिट्रिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, किन देशों के बीच मित्र शक्ति नामक 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास दिसंबर 2019 में हुआ? आंसर है भारत और श्रीलंका के बीच। ठीक, या आपसे ये भी पूछा जा सकता है सीधा सीधा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि मित्र शक्ति किन देशों का संयुक्त सैन्य अभ्यास है, आंसर क्या हो जाएगा? भारत और श्रीलंका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय चुनाव आयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके बारे में हम बता रहे हैं। तो पहला सही स्टेटमेंट है, चुनाव आयोग एक स्वायत्त संस्था है। स्वायत्त संस्था का मतलब क्या होता है? एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ठीक, नेक्स्ट, इस संस्था का राज्य के पंचायत चुनाव तथा नगर निगम के चुनावों से कोई संबंध नहीं है। ठीक है, राज्य के पंचायत चुनाव और नगर निगम के चुनाव के लिए संविधान एक स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बनाता है, उसको ये जिम्मेदारी देता है कि इस तरह के चुनाव वो कराएं। इलेक्शन कमीशन से इसका कोई लेना देना होता ही नहीं है दूर दूर तक। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, ये जो है आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग के बारे में पूरा लिखा हुआ है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नमत बसाई कार्यक्रम किस राज्य से संबंधित है? आंसर है केरल से संबंधित है नमत बसाई कार्यक्रम। पहले आप ये सुन लीजिए कि ये जो नमत बसाई कार्यक्रम है वो क्या है। आपको याद होगा कि नेशनल या न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी 2020 में। ठीक है, तो उसमें ये तय किया गया है कि जब तक स्कूल के जो बच्चे हैं उनको उनके मदर टंग में पढ़ाई नहीं कराई जाएगी तब तक उनकी मजबूत नींव का सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, तो इस चीज़ को देखते हुए इस तरह का प्रोग्राम लॉन्च किया गया था समग्र शिक्षा केरला की तरफ से और इस प्रोग्राम का नाम था नमत भारत। ठीक, तो इसके अंतर्गत क्या किया गया है कि जो लोग ट्राइबल हैं पलाकाट डिस्ट्रिक्ट के, उन लोगों को 3 तरह के जनजाति के लोगों को खास करके 3 यूट्यूब्स के माध्यम से पढ़ाई कराई जा रही है। ठीक, किस प्रोग्राम के तहत? नमत बसाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन बाइसन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला स्टेटमेंट है, ये दक्षिण तथा दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे अधिक पाए जाते हैं। दूसरा सही स्टेटमेंट है, ये भारत के नागरहोल, बांदीपुर तथा मशीन गुड़ी राष्ट्रीय उद्यान के साथ साथ BR हिल्स में पाए जाते हैं। कौन? भारतीय
बाइसन। ठीक, तो दोस्तों इन्हीं सवालों और जवाबों के साथ ये सेगमेंट यहीं पर होता है खत्म। लेकिन फ्रेंड्स, हम आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, वो ये कि आप सभी लोग इस सेगमेंट को दिल खोल करके एंजॉय कीजिए और साथ ही इसे उन लोगों तक जरूर से जरूर पहुंचाने की पूरी कोशिश कीजिएगा, माय मोस्ट डियरेस्ट ऑफ द डियरेस्ट फ्रेंड्स, जो लोग इंटरनेट फैसिलिटी का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, है ना। तो इसी छोटे से रिक्वेस्ट के साथ हम आप सभी के ढेर सारे प्यार, जुनून, जज्बात और कड़ी मेहनत के साथ साथ आप सभी के उस कोशिश को भी दिल से सलाम करना चाहेंगे, जिसकी बदौलत न सिर्फ आप सभी नई नई ऊंचाइयों को छू रहे हैं, बल्कि साथ ही आप सभी हर क्षेत्र में अपनी योग्यता का झंडा निरंतर गाड़ रहे हैं। तो दोस्तों, इसी बात के साथ और इसी गर्व की भावना को अपने मन में संजोए हुए एक बार फिर पूरी डिवाइन लाइट्स एसोसिएशन टीम की ओर से हम आप सभी को कहना चाहेंगे दिल से प्यार भरा नमस्कार।